बिल्डिंग में, किसी भी घर में कोरोना का कोई भी पेशेंट होता है, हम अपनी जान अपने दांव पर लगा के आपके घरों के अंदर जाते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सारे मेरे दोस्त यूट्यूब पे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना। बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इस टाइम पे यूट्यूब पे एंड न्यूज़ चैनलों पे सब पे चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जो अभी तक किसी चर्चा में नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पे। कोरोना वायरस चल रहा है, आपको पता है कितना खतरनाक वायरस है, उस वायरस के होते हुए भी इतनी कठिन मेहनत कर रहे हैं, जो कि डिपार्टमेंट है MCD डिपार्टमेंट का, मलेरिया डिपार्टमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार, दिल्ली जन स्वास्थ्य विभाग मलेरिया द्वारा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। जैसे हमारे आदरणीय श्री मोदी जी ने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि अपने घरों में रहें, लॉकडाउन चल रहा है, चीन से वुहान से आया ये वायरस जानलेवा है, इस वायरस से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहना है। हम मलेरिया डिपार्टमेंट के जितने भी वर्कर हैं, FW CFW सब लोग मिलकर आपके घरों पर जाकर सैनिटाइजर कर रहे हैं, घर घर जाकर बिल्डिंगों को जाकर अच्छी तरह से सैनिटाइजर कर रहे हैं। हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर हमारे अफसरों ने हमें हर चीज़ की सुविधा दी है, दस्ताने, मास्क, सैनिटाइजर, हमें सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि अपने घरों में रहेंगे, अपने परिवार में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, खांसने और छींकने के दौरान अपने नाक व मुंह के पास एक रुमाल या मास्क रखना है, खांसी बुखार होने पर अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, साबुन से बार बार हाथ धोएं, अच्छी तरह हाथों को धोने के बाद ही खाना पीना खाएं। दिल्ली नगर निगम जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये मलेरिया डिपार्टमेंट के CFW भाई, FW भाई आप लोगों के घर जा जाकर दवाइयां छिड़क रहे हैं। दोस्तों, ये एक बहुत दुख की बात है कि अभी लोग घरों से बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने आपको 10 बार इस बात के लिए बोला होगा कि दोस्तों अपने घरों में रहो, अपने परिवार में रहो, लेकिन आज लोग घरों से बाहर निकलकर बाहर घूमना चाहते हैं। अगर आप सुरक्षित रहोगे तो घूमोगे फिरोगे, अपने परिवार में ठीक रहोगे, अगर आप बीमार पड़ गए या किसी को कोई परेशानी होगी तो पूरा घर पूरा परिवार बिगड़ जाएगा। दिल्ली नगर निगम जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा हम लोग आपके आश्वासन देते हैं कि आपके घर घर जाकर जिस भी बिल्डिंग में किसी भी घर में कोरोना का कोई भी पेशेंट होता है, हम अपनी जान अपने दांव पर लगा के आपके घरों के अंदर जाते हैं, पूरे घर को सैनिटाइजर करते हैं, उसको पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करते हैं, पूरे खिड़की दरवाजों को गली गली जाकर बिल्डिंगों में जाकर हर जगह जाकर सैनिटाइज करते हैं। मेरे आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। दोस्तों, आप ठीक हैं तो सब ठीक है। जितने भी CFW भाई हैं हमारे, जैसे कि FW है, हम CFW हुए, सब लोगों ने जी जान से मेहनत करके इस कोरोना को मिटाना है। मैं आपसे फिर बार बार यही कहूँगा कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली नगर निगम जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये राजेश कुमार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि अपने घरों में रहकर कुछ समय बिताएं। ये थोड़े से दिन की बात है, कोरोना वायरस चला जाएगा। अब आप देखिए हमारे कंधों पर बोझ, अभी एक तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, दूसरी तरफ चिकनगुनिया मलेरिया स्टार्ट हो गया है। देखिए दोस्तों, हम कंधे के ऊपर 10 से 15 किलो वजन, 20 किलो वजन टांगकर पूरे दिन पिट्ठू पंप चलाते हैं, गली गली जाकर घर घर जाकर आप लोगों को बचाना चाहते हैं। हम CFW भाई जितने भी हैं, FW भाई जितने भी हैं, आप सबसे अनुरोध है कि भाइयों, आराम करने का समय नहीं है, अभी काम करने का समय है। हमें कोरोना को भी जड़ से मिटाना है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया को भी जड़ से मिटाना है, हमें पूरे हिंदुस्तान को बचाना है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप घरों में रहें, आपकी जगह घूमने के लिए हम लोग हैं, हम पूरे दिन घूमते हैं, गली गली में जाकर सैनिटाइजर करते हैं, बिल्डिंगों में सैनिटाइजर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोरोना को मिटाना है, कोरोना को मिटाना है, डेंगू को भगाना है। जय हिंद, जय भारत।